Hello, good evening everyone. Sweetie Tarika this side from the Bansal Academy. I am the maths educator in the Bansal Academy, and these days we have started the mock stats series, which is very helpful for every PGT exam and lecture cadre exam going on in various states like in Punjab, Himachal Pradesh, Chandigarh. Also we have seen that recently the Chandigarh exam, PGT exam of Chandigarh was come. So without wasting time, let us discuss the questions of the mock this mock test series. This question will be very helpful for you to crack the lecturer cadre and the any PGT exam. So let us start with the video. Okay, the first question is an assignment problem can be solved by. Assignment problem को कैसे solve कर सकते हैं? हमने already किए थे ये चीज class में. Just a minute. Yes everybody. कि एक हमारे पास transportation problem होती है. Transportation problem होती है. उसका एक पर्टिकुलर केस होता है असाइनमेंट प्रॉब्लम, जिसपे कुछ कंडीशंस होती हैं. पर्टिकुलर केस है, और असाइनमेंट में हम क्या करना चाहते हैं कि अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करना चाहते हैं, और जितने डेस्टिनेशन पे और जितने सोर्सेज पे हमारे पास ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं उसको हम असाइन करना चाहते हैं. ठीक है, सोर्स और डेस्टिनेशन यहाँ पे रहते हैं. सो जो हमारे पास असाइनमेंट प्रॉब्लम है, that is the particular case of the transportation problem. All right. चलो अब किससे सॉल्व करते होते हैं हम असाइनमेंट प्रॉब्लम, जैसे हमने क्लास में डिस्कस किया था, बिल्कुल सिंप्लेक्स मेथड से भी सॉल्व करते हैं एंड ट्रांसपोर्टेशन मेथड से भी यूज करते हैं, क्योंकि ये इसका पर्टिकुलर केस है. तो ए और बी बहुत करेक्ट हो गया, बट सिंगल करेक्ट ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन एंड द करेक्ट ऑप्शन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज assignment, the assignment problem requires that only one activity be assigned to each resource. क्या हर activity एक ही resource को मिलती है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. Suppose यहाँ end पे हमें दो हमारे पास sources हैं and these are the destinations. हो सकता है कि ये जो मान लो we have two factories of the lace, दो lace की factories हैं और हमने वहाँ से supply करनी है, और ये इन तीनों के ज्यादा पास में पड़ता है, तो ऐसे भी असाइन हो सकता है. और ये जो दो हैं इसके पास ज्यादा नजदीक है. ठीक है, तो जरूरी नहीं कि यहाँ पे कहा है कि ओनली वन ही असाइन करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है. नेक्स्ट इज इन ईच के इट इज द स्पेशल केस ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम. ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, असाइनमेंट प्रॉब्लम इज द स्पेशल केस ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, दैट इज द बी ऑप्शन इज करेक्ट. कैन बी यूज टू मैक्सिमाइज द रिसोर्सेज, इनकरेक्ट. वाई? क्योंकि हम यहाँ पे कॉस्ट मिनिमाइज करते हैं जब हम डिफरेंट डिफरेंट एलोकेशन प्रोवाइड करते हैं, डेस्टिनेशन टू सोर्स, सोर्स टू डेस्टिनेशन. तब हम क्या करना चाहते हैं, हर फैक्टर में जो अपनी कॉस्ट है उसको हम मिनिमाइज करना चाहते हैं. तो सी ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है, डी अपने आप ही नहीं है, सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट इज एन असाइनमेंट प्रॉब्लम इज अ स्पेशल केस ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, बिल्कुल राइट है. Where the number of rows equal to the number of column, बिल्कुल ऐसा होता है. The rim conditions are one. Rim condition इसमें क्या रहती है कि m plus n, m minus n plus one, sorry, m minus n plus one equal to the occupied cells. अब इसका क्या मीनिंग हुआ, जैसे हमने क्लास में असाइनमेंट प्रॉब्लम के क्वेश्चंस किए थे, यहाँ पे हम ऐसे ही करते हैं ना, यहाँ सप्लाई और डिमांड आ जाती है लास्ट में, डिमांड यहाँ पे सप्लाई, यहाँ पे हमारे सोर्स एंड डेस्टिनेशंस होते हैं, इसको O1 O2 O3 लिखते हैं. तो यहाँ पे जो हम बनाते हैं बाय वैम मेथड और लीस्ट कॉस्ट मेथड, यहाँ पे एलोकेशंस आ जाती हैं, है ना, जहाँ पे एलोकेशंस आ जाती हैं, तो वो एलोकेशंस कितनी होनी चाहिए, एम कितना हो गया, जितने हमारे पास ये हैं सोर्सेज एंड डेस्टिनेशंस जो हमारे पास होते हैं,
तो m माइनस एन प्लस वन इक्वल टू कितना आना चाहिए, ऑक्यूपाइड सेल आना चाहिए, तो बिल्कुल ठीक है। वैल्यूज ऑफ डिसीजन वेरिएबल इन ईच केसेस 0 और 1, बिल्कुल ऐसे लेके चलते हैं, जहाँ पे ऑक्यूपाई हो जाए वो 1 रहता है, जहाँ पे ना हो वो 0, बिल्कुल ठीक है। सो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, तो क्योंकि हमने एक ऑप्शन टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एवरी फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द जर्नल असाइनमेंट प्रॉब्लम हैविंग स्क्वायर पे ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन शुड हैव असाइंड इक्वल टू। अब इसने यही बोला कि बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन के लिए हम कितना असाइन करेंगे अगर हमारे पास मैट्रिक्स एन ऑर्डर की है। ये हमने डायरेक्ट रिजल्ट क्लास में किया था कि 2n-1 हम इसको क्या करेंगे, असाइन करेंगे। दैट इज द बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू प्रोसीड विद द मोदी मैथड, यस फिजिबल सॉल्यूशन कौन देता है हमें, जो हम वही मेथड्स लगाते हैं, वैम मेथड हो गया, लीस्ट कॉस्ट मेथड हो गया, और यहां से जब हमने ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना होता है जो हमने ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना होता है वो कैसे निकालते हैं, बाय मोदी मेथड। ओके, मोदी मेथड क्या कहता है, फॉर सॉल्विंग एन असाइनमेंट प्रॉब्लम नंबर ऑफ डमी एलोकेशंस नीड्स टू बी एडेड। हम यहाँ पे डमी जो एलोकेशंस है वो हमें खुद ऐड करनी पड़ती हैं, कितनी है होती हैं वो, यस एवरीबॉडी हमारे पास एन माइनस वन, ये भी हमने जब मेथड पढ़ा था तो सबसे पहले यही पढ़ा था हमने। सो द सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द हंगेरियन मेथड फॉर सॉल्विंग एन असाइनमेंट प्रॉब्लम कैन बी यूज टू सॉल्व, यस एवरीबडी, किस लिए यूज होता है, अ ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, दैट इज द बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ एन असाइनमेंट प्रॉब्लम कैन बी ऑब्टेन्ड ओनली इफ, ओनली इफ, कब होगा ये, उसने कहा ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमने असाइनमेंट प्रॉब्लम में निकालना है, ये कब मिलेगा, ईच रो एंड कॉलम हैज ओनली 0 एलिमेंट, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें पीछे अभी किया था ना कि ये देखिए यहाँ पे देखिए डमी एलोकेशंस एन माइनस वन ऐड करते हैं, और फिजिबल सॉल्यूशन में अगर मैट्रिक्स एन ऑर्डर की है तो असाइनमेंट इतनी रहती हैं, और यहाँ पे वैल्यू जो डिसीजन वेरिएबल की है वो 0 और 1 रहती है। सो इन दिस क्वेश्चन ईच रो एंड कॉलम हैज एटलीस्ट 1 0 एलिमेंट, ऐसी कोई कंडीशन नहीं, एक से ज़्यादा भी आ सकती हैं। डाटा आर अरेंज इन द स्क्वायर मैट्रिक्स, हम डमी रो एंड कॉलम ऐड करते हैं, ज़रूरी नहीं कि स्क्वायर में हो, नहीं है तो हम ऐड करके बना लेते होते हैं, तो नन ऑफ दीज इज द करेक्ट ऑप्शन। सेवेंथ के बाद 8th क्वेश्चन ये क्यों नहीं आ रहा, वेट, एट क्वेश्चन मिसिंग है, कोई बात नहीं मैं खुद राइट कर देती हूँ, आप लिख लो क्वेश्चन नंबर 8, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तब भी मैं आपको करवा रही हूँ। लेट वेट, आई हैव टू सी द क्वेश्चन। इट्स ओके, चलो लेट, एक इंटीग्रल है हमारे पास cot pi z ओवर z माइनस आइटा का होल स्क्वायर डी जेड ओवर द कर्व c, c इज कॉन्टूर 4x² + y² = 2, देन इट इज इक्वल टू, हमने ये इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है, देन इट इज इक्वल टू, ए ऑप्शन इज 0, बी ऑप्शन इज -2πi, सी ऑप्शन इज 2πi ओवर इंटू पाई साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर पाई -1/π, डे ऑप्शन इज -2π² डिवाइडेड बाई साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर पाई,
ये क्वेश्चन हमने करना है. वेरी इजी क्वेश्चन है. देखिए यस, पहले आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए. अगर आप ध्यान से देखें कोट को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस पाए जेड ओवर साइन पाए जेड साथ में जेड माइनस आइटा का होल स्क्वायर डी जेड, ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अच्छा इसको करें कैसे, इस क्वेश्चन को हम ठीक है रेजिड्यू मेथड से कर लेते हैं, क्योंकि देखो कोशी में अगर हम देखें कोशी फॉर्मूला तो यहाँ पे नहीं लगेगा. ठीक है वो क्या कहता था, यही कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड जीरो हो जाएगा. कब जीरो हो जाएगा, अगर वो अंदर एंटायर फंक्शन होगा मेरे पास. ठीक है ये तो वहाँ पे नहीं लगेगा, यहाँ पे रेजिड्यू थ्योरम लगेगी. रेजिड्यू क्या कहती है कि एफ ऑफ जेड डी जेड जो है वो टू पाई आइटा इंटू सम ऑफ रेजिड्यूज के बराबर हो जाता है. रेजिड्यू एट जेड इक्वल टू ए पे सम ऑफ द रेजिड्यू के बराबर हो जाएगा एक एक करके. ठीक है पर हमने ये देखना है कि यहाँ पे रेजिड्यू हम किसका निकालते हैं, पोल असेंशियल सिंगुलैरिटी एंड द रिमूवेबल सिंगुलैरिटी. सिंगुलैरिटी फाइंड करते हैं यहाँ पे क्या क्या आ रही है. देखिए कोस पाई जेड जो है ना वो मेरा जीरो बन रहा है तो वो सिंगुलर पॉइंट होगा, और जेड माइनस आइटा का स्क्वायर ये भी यहाँ पे जेड इक्वल टू आइटा मुझे सिंगुलैरिटी देगा. और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो जब पाई जेड की वैल्यू जीरो हो जाएगी तब होगा, और ये कब पॉसिबल है, जब जेड इक्वल टू कोई भी एन बिलोंग्स टू इंटीजर होगा मेरा. ठीक है तो ये दो तरह की मुझे सिंगुलैरिटी दिख रही है यहाँ पे. नाउ द नेक्स्ट इज कि 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 2. पहले मैं रीजन भी तो देखूँ मेरी सिंगुलैरिटी उस रीजन में लाई भी कर रही है कि नहीं, फोर दिस द कंटूर है ना, ये भी तो चेक करना ज़रूरी है. तो 2 से आप डिवाइड कर दीजिए तो 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू 1, क्योंकि मैंने 2 स्क्वायर से डिवाइड किया. नाउ अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, एस स्क्वायर 1 अपॉन अंडर 2 का होल स्क्वायर y का स्क्वायर अंडर 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1. अब यहाँ पे अगर आप देखें ये बन रहा है मेरे पास एलिप्स, जहाँ पे y का जो कोऑर्डिनेट नीचे आ रहा है वो बड़ा आ रहा है अंडर 2 वाला, और x वाला छोटा आ रहा है. सो इट इज द अंडर 2 एंड इट इज 1 अपॉन अंडर 2 एंड इट इज माइनस अंडर 2 माइनस 1 अपॉन अंडर 2. ओके एवरीबॉडी, अब यहाँ पे क्या है, आप प्लॉट कीजिए कि z इक्वल टू आइटा कहाँ पे होगा, हमारे उस रीजन के अंदर भी आ रहा है कि नहीं आ रहा, अंदर होना चाहिए. लेट अस मार्क विद द ब्लैक पेन, z इक्वल टू आइटा यहाँ पे रहेगा. ठीक है और इंटीजर्स कौन कौन से, देखो जीरो यहाँ पे आ जाएगा इंटीजर, जो वन है वो रेंज से बाहर निकल जाएगा, टू भी माइनस वन भी माइनस टू भी. तो दीज टू आर द सिंगुलर पॉइंट, एक z इक्वल टू आइटा और मेरे पास एक z इक्वल टू जीरो. ठीक है जी चलो आगे करते हैं. अब इसके बाद हमने दो हमारे पास सिंगुलर पॉइंट आ गए, आइटा भी यहाँ पे पोल है और साइन जो ये बना z इक्वल टू जीरो ये भी मेरा पोल है, ये भी पोल है और मेरा ये भी पोल है. क्लियरली दिख रहा है z माइनस आइटा टू ऑर्डर का पोल है और z इक्वल टू जीरो वन ऑर्डर का पोल है. तो हम रेजिड्यू कैसे निकालते थे, z इक्वल टू जीरो पे, z इक्वल टू जीरो पे कैसे निकालते थे, अगर सिंगल पोल है तो लिमिट z गोज टू जीरो z माइनस जीरो साथ में cot पाई z ओवर में z माइनस आइटा का होल स्क्वायर. अच्छा कोट को फिर वैसे ही लिखते हैं, z cos पाई z ओवर sin पाई z z माइनस आइटा का होल स्क्वायर. अब देखो अगर आप जीरो पुट करते हैं तो एक तो इसको प्रॉब्लम है z को और एक साइन पाई z को प्रॉब्लम है, दोनों को प्रॉब्लम है. तो आपने पढ़ा होगा लिमिट में कि हम इसको ना ऐसे करके लिख सकते हैं z अपॉन साइन पाई z, f और g फंक्शन अलग अलग कर सकते हैं, z goes to zero cos पाई z ओवर z माइनस आइटा का होल स्क्वायर. जीरो बाय जीरो फॉर्म बन रही है, ऊपर आ गया डेरिवेटिव करके वन, साइन पाई जेड का बन गया डेरिवेटिव कॉस पाई जेड इन टू पाई, लिमिट जेड गोज टू जीरो कॉस पाई जेड, इसको जीरो पुट किया तो कॉस पाई जेड जीरो पुट किया, कॉस जीरो इज वन, नीचे आ गया जीरो माइनस आइटा को होल स्क्वायर.
तो ये जब मैंने यहाँ पे भी लिमिट z गोज टू जीरो किया तो आयटा का स्क्वायर इज माइनस वन अपॉन पाई बन गया। एक रेजिड्यू ये आ गया। नेक्स्ट रेजिड्यू इज z गोज टू आयटा, क्योंकि डबल ऑर्डर का पोल है तो कैसे निकालते हैं, देर इज अ डायरेक्ट फॉर्मूला, लिमिट z गोज टू आयटा वन अपॉन एन माइनस वन का फैक्टोरियल वन फैक्टोरियल डी बाई डी जेड ऑफ जेड माइनस आइटा का होल स्क्वायर कॉस पाई जेड ओवर जेड माइनस आइटा का होल स्क्वायर, ऐसे निकालते हैं। ये कट गया, कॉस पाई जेड का डेरिवेटिव कितना आएगा, साइन पाई जेड, और उसमें आइटा पुट कर दो तो साइन पाई आइटा साथ में आ जाएगा पाई, क्योंकि हमने डेरिवेटिव किया है। ऑल राइट, अब कॉस पाई आइटा का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा मेरे पास, सॉरी डेरिवेटिव करके आ गया, कॉस पाई आइटा का फॉर्मूला होता है इट इज इक्वल टू कॉस में बाहर निकल आता है आइटा साइन हाइपरबोलिक पाई। कॉस का डेरिवेटिव इज साइन, जस्ट अ मिनट एवरीबडी, ओके आई हैव टू ऐड वन स्लाइड, वेट एवरीबडी, एक ब्लैंक स्लाइड ऐड करनी पड़ेगी, जस्ट अ मिनट। ओहो द होल क्वेश्चन हैज रिमूव्ड, इट्स ओके, आई होप कि आपने क्वेश्चन तो नोट कर ही लिया है। द क्वेश्चन वॉज इंटीग्रल हमारा यही था, कॉट पाई जेड ओवर जेड माइनस आइटा का होल स्क्वायर डी जेड, ये बना था हमारे पास कॉस पाई जेड ओवर साइन पाई जेड साथ में जेड माइनस आइटा का होल स्क्वायर। मैंने आपको बताया इसके दो पोल हैं, जेड इक्वल टू आइटा और एक जेड इक्वल टू जीरो पे, ठीक है, जेड इक्वल टू आइटा पे पोल बन रहा है तो लिमिट जेड गोज टू आइटा वन अपॉन एन माइनस वन का फैक्टोरियल, दो ऑर्डर का पोल है तो टू माइनस वन का फैक्टोरियल डी बाय डी जेड ऑफ जेड माइनस आइटा का होल स्क्वायर साथ में कॉट पाई जेड ओवर जेड माइनस आइटा का होल स्क्वायर। लास्ट टाइम ना व्हाट वी डिड कि हमने गलती से कॉस लिख लिया था, ये कट जाएगा। अब कॉट का डेरिवेटिव करना है, कॉट का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर पाई जेड इंटू पाई, और यहाँ पे जेड की जगह हमने क्या पुट करना है आइटा, लिमिट जेड गोज टू आइटा तो माइनस पाई कोसिकेंट नीचे चला गया जाएगा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर पाई आइटा आ जाएगा और माइनस पाई साइन में जब आइटा बाहर निकाला तो आइटा का स्क्वायर होके बाहर निकलेगा और साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर पाई बन जाएगा, यहाँ पे तो अकेला साइन था अभी यहाँ हाइपरबोलिक नहीं था तो आइटा स्क्वायर माइनस वन ये कट जाएगा और पाई अपॉन साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर पाई इज द रेजिड्यू। अब जेड इक्वल टू जीरो पे हमने ऑलरेडी निकाल ही लिया था आई गेस, जेड इक्वल टू जीरो पे मैंने सीधा लिमिट निकाली थी, जब जेड जीरो पे है तो ऊपर जेड से मल्टीप्लाई किया था कॉस पाई जेड
ओवर साइन पाई जेड, जेड माइनस आई टा का स्क्वायर। यहाँ पे तो जेड की वैल्यू डायरेक्ट 0 रख देंगे, यहाँ डेरिवेटिव करके 1, इसका डेरिवेटिव कितना आ गया था मेरे पास पाए, और कॉस पाई जेड, और जेड की वैल्यू अगर आपने 0 रखी कॉस पाई जेड में 0, तो 1 आ गया, आयटा का स्क्वायर बन गया, आयटा का स्क्वायर इज -1, तो -1 अपॉन पाई इज द आंसर। अब क्या फॉर्मूला होता है कि ये होता है इक्वल टू 2 पाई आयटा सम ऑफ द रेजिड्यू। सम ऑफ द रेजिड्यू में एक रेजिड्यू मेरे पास क्या है -1 अपॉन पाई, प्लस दूसरा क्या आ गया पाई अपॉन साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर पाई। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है मेरे पास, सी ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, मैंने लिखवाई थी ना अभी ऑप्शंस आपको, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर द फंक्शन एफ जेड ई रेस टू पावर 2z z माइनस 1 की क्यूब डिनोमिनेटर में है, हमें बताना है कि रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है इसके पास z इक्वल टू 1 पे, या फिर पोल ऑफ ऑर्डर 1 है, या पोल ऑफ ऑर्डर 3 है, या असेंशियल सिंगुलैरिटी है। देखिए ध्यान से, z इक्वल टू 1 पे पहले तो आप लिमिट z गोज टू 1 पुट करिए, तो ई रेस टू पावर 2z ओवर z माइनस 1 का होल क्यूब। अब 1 पुट करने से ऊपर तो क्या रह रहा है, ई स्क्वायर रह रहा है, और नीचे मेरे पास 0, तो ये इन्फिनिटी बन रहा है ना, तो जब भी ऐसा बने तो वो क्या होता है पोल होता है मेरे पास। अब कितने ऑर्डर का पोल है वो बताना है। देखो नीचे वाला फैक्टर ही मुझे 0 बना रहा है, ऊपर वाला तो नहीं बना रहा, तो नीचे वाले से ही पोल आएंगे, क्योंकि जेड माइनस 1 की यहाँ पे क्यूब है, तो 3 ऑर्डर का पोल आएगा, पोल ऑफ ऑर्डर 3, दैट इज द सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अब हमने ये बताना है कि क्या आंसर आएगा। यहाँ पे आपके पास फंक्शन दे रखा है, और पहले ये एक एक करके हम चेक करते हैं। ऑल राइट ओके, देखो एक ना ऐसे है, पहले अगर आप लिमिट जेड गोज टू इन्फिनिटी पुट करते हैं, आइडिया ले लेते हैं कि क्या हो रहा है क्वेश्चन में। ऐसे है तो लिमिट जेड गोज टू इन्फिनिटी, मैं क्या करती हूँ नीचे से जेड 3 टाइम्स बाहर निकाल लेती हूँ, जेड जेड जेड, तो 1 माइनस a बाय z, 1 माइनस b ओवर z, 1 माइनस c ओवर z। तो ध्यान से देखिए, ये दो जेड कट जाएंगे, जेड टेंड टू इन्फिनिटी, ये मेरे पास 1 माइनस 0 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो z टेंड टू इन्फिनिटी करके 1 बाय इन्फिनिटी, ये तो 0 के पास भाग रहा है। इसने कहा -1 आएगा, 1 आएगा, नहीं आएगा। रेजिड्यू ऑफ z इक्वल टू इन्फिनिटी इज 1, इसको भी करते हैं। अब इसने कहा z मल्टीप्लाई करके देखो जरा कितना आंसर आ रहा है, लिमिट z गोज टू इन्फिनिटी, इसने कहा है z एफ z निकालो, z को f ऑफ z से, एफ जेड की वैल्यू क्या है फंक्शन की, ऊपर जेड स्क्वायर, तीनों से अब जेड बाहर निकालो, कट जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस a ओवर z। आंसर कितना आ गया 1। अब ये कह रहा है z से मल्टीप्लाई करने पे -1 आंसर आ रहा है, गलत। हाँ ये लास्ट देखिए, अगर आप z एफ z को इक्वल टू -1 रखते हैं, तो यहाँ पे -1 माइनस कैंसिल हो जाएगा ना, माइनस माइनस, तो यहाँ से जो है लिमिट z गोज टू इन्फिनिटी z एफ z 1 आ रहा है ना, तो d ऑप्शन इज करेक्ट। तो वाई टू चेक सी ऑप्शन व्हेन d इज करेक्ट। ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर द फंक्शन विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू। फंक्शन हमें क्या दे रखा है, ये z cos pi z over z square sin pi z। हमने यहाँ पे बताना है कि क्या होगा, क्या z 1 2 3 आर द ओनली पोल्स, क्लियरली दिख रहा है, सॉरी यहाँ पे पाई है, अगर आप z की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो ये 0 बन जाएगा, z की वैल्यू 0 पुट करने से ये भी बन जाएगा, और ये मेरे पास 1 रहेगा, है ना, तो 0 नीचे 3 फैक्टर, मतलब 3 बार 0 बन रहा है, ये डबल बार 0 बना रहा है, ये भी बना रहा है 3 बार, तो
इसने कहा कि जेड वन टू थ्री ओनली सिंपल पोल है, नहीं जीरो कहाँ भगा दिया फिर आपने, है ना। तो जेड इक्वल टू जीरो इज द पोल ऑफ ऑर्डर टू, देखो गलती से लग रहा होगा कि जेड स्क्वायर है तो जीरो इज द पोल ऑफ ऑर्डर टू, नहीं गलती है, यहाँ साइन भी कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, वहां पे ये भी जीरो बना रहे हैं दो बार और ये एक बार, और ऊपर वाला वन रह रहा है, नहीं तो कटिंग हो जाती है ना, तो हमारे पास ये भी नहीं आएगा। पोल ऑफ ऑर्डर थ्री है बिल्कुल, एक एक तो जेड स्क्वायर ने जीरो बनाया और एक साइन पाई जेड ने जीरो बनाया, सी ऑप्शन इज करेक्ट। रेजिड्यू एट जेड इक्वल टू जीरो क्या इतना आएगा, वो हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको अगर मैं बाय डेफिनेशन करूँ तो मैंने आपको क्या बताया था, हाउ टू चेक कि ये पोल ऑफ ऑर्डर थ्री है कि नहीं, मुझे पता आप ऐसे ही निकालेंगे, आप क्या करेंगे जेड क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर देखेंगे कि नॉन जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा, साइन पाई जेड, जेड स्क्वायर से जेड क्यूब कटा, ये कट गया, अब जीरो कौन बना रहा है, जेड और साइन पाई जेड, तो जब लिमिट जेड गोज टू जीरो कर रहे हैं तो इन दोनों को ही लोपिताल से ऊपर नीचे हम डेरिवेट करेंगे, जेड का कितना आ गया वन, साइन का कितना बना मेरे पास कॉस पाई जेड इंटू पाई, और ऊपर भी पाई कॉस पाई जेड चल रहा है, कट गया बिल्कुल, ये तो वन आ गया नॉन जीरो आ गया, तो यस इट इज द पोल ऑफ ऑर्डर थ्री, सो दिस इज द राइट ऑप्शन, ऑल राइट एवरीबडी, सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट, डी हम निकालेंगे, रेजिड्यू इतना नहीं आएगा, क्लियरली आपको दिख भी रहा है कि पाई यहाँ पे नीचे आ रहा है, तो रेजिड्यू इतना नहीं आएगा। यस इस क्वेश्चन में ना लिटिल बिट प्रॉब्लम है, द जो हमारे पास स्टेटमेंट है दैट इज नॉट करेक्ट, डी एक्स टू, ये टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है, सॉरी फॉर दैट, लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एट y ऑफ वन इक्वल टू जीरो इज गिवन बाय द जी एक्स एक्साई, क्या है यहाँ पे ग्रीन फंक्शन, दिस इज द ग्रीन फंक्शन, तो हमें बताना है कि कौन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रीन फंक्शन होगा, ठीक है, ग्रीन फंक्शन का क्वेश्चन है सबसे पहले, तो हमने क्या करना है ध्यान से देखिए, सबसे पहले कुछ कंडीशंस होती है ग्रीन फंक्शन की, ग्रीन फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है तो वो कॉन्टिन्यूस होगा, जैसे ये एग्जाई पे ब्रेक हो रहे हैं तो एग्जाई पे सारे कॉन्टिन्यूस होंगे, और एक हमारे पास यहाँ पे इनिशियल कंडीशन दे रखी है वाई ऑफ वन इक्वल टू जीरो, y ऑफ वन इक्वल टू जीरो हमें वन पे कंडीशन दे रखी है, आई गेस यहाँ पे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेट मी चेक, आई गेस थोड़ी सी प्रॉब्लम है यहाँ पे, जस्ट अ मिनट एवरीबडी, आई हैव टू चेक द स्टेटमेंट फर्स्ट, जस्ट अ मिनट, यस एवरीबडी जस्ट अ मिनट, यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ पे दो यहाँ पे प्रॉब्लम है थोड़ी सी, जैसे मैं आपको बता रही थी कि y ऑफ जीरो भी यहाँ पे जीरो है, यही मैं आपको बता रही थी कि इट इज द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है, सिर्फ वन कंडीशन नहीं थी यहाँ पे, टू कंडीशंस थी मेरे पास, ऑल राइट। एक तो हमने यही पढ़ रखा है कि जो मेरे पास ग्रीन फंक्शन है दैट इज द कॉन्टिन्यूस फंक्शन, और जब भी हम ग्रीन फंक्शन निकालते हैं, जैसे यहाँ पे एफ एक्स दे रखा है होमोजीनियस, थोड़ा रिकॉल करवा रही हूँ कि ग्रीन फंक्शन ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर, किसका कैलकुलेट किया जाता है, होमोजेनियस इक्वेशन का, ना कि नॉन होमोजेनियस इक्वेशन का। तीसरा जो है
कि ये जैसे यहाँ पे एक्साई पे ब्रेकेज हो रही है, तो कर्ली जी बाय कर्ली एक्स जो भी हमारा ग्रीन फंक्शन है, व्हेन एक्स गोज टू एक्साई पॉजिटिव पॉजिटिव साइड से, माइनस कर्ली जी बाय कर्ली एक्स एक्स गोज टू एक्साई नेगेटिव साइड से, इज इक्वल्स टू -1 अपॉन पी नॉट। अब पी नॉट क्या होता है, हमने ये पढ़ रखा है पी नॉट वाई डबल डैश डबल डेरिवेटिव प्लस P1 वाई डैश प्लस P2 वाई इक्वल टू 0। तो जो वाई डबल डैश का कॉफिशियंट है दैट द पी नॉट, तो पी नॉट की वैल्यू हमारे पास 1 है, दैट इज -1/1, इतना आना चाहिए। ये कंडीशन हम चेक करेंगे क्योंकि मुझे सारे कॉन्टिन्यूस नजर आ रहे हैं यहाँ पे एक्साई पे। चेक करिए, पहला ऑप्शन ये था कि पहली ट्रिक ये थी कि हम कॉन्टिन्यूस चेक करें। आप एक्साई पुट करिए एक्स की जगह एक्साई, और यहाँ पे भी दोनों आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, इट इज द कॉन्टिन्यूस फंक्शन। अभी आप यहाँ पे एक्स की जगह एक्साई पुट करिए, यहाँ पुट करिए, ये भी कॉन्टिन्यूस आ रहा है। यहाँ पे आप एक्स की जगह एक्साई पुट करिए और यहाँ पे पुट करिए, बिल्कुल कॉन्टिन्यूस आ रहा है। एक्स की जगह एक्साई, ये भी कॉन्टिन्यूस, तीनों कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। और ठीक है, इसको हम नॉन होमोजीनियस के नहीं लिए, होमोजीनियस के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, गुड। अब नेक्स्ट आ गया हमारे पास ये पता करने के लिए, वन बाय वन स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ऑप्शन। तो एक्स गोज टू एक्साई पॉजिटिव, एक्साई पॉजिटिव मतलब कि जहां पे एक्साई ग्रेटर देन 0 है, इसमें नीचे वाले केस में, यहाँ पे ग्रीन फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स आप पार्शियल डेरिवेटिव करिए, क्या आएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देखिए ध्यान से, ओनली एक्साई नहीं आ जाएगा, है ना, माइनस। उसके बाद एक्साई नेगेटिव इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स कीजिए, विद रिस्पेक्ट टू आपके पास क्या आ जाएगा, एक्साई -1। यहाँ पे आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया, यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया, सॉरी, यहाँ पे ना पॉजिटिव का साइन होता है ना कि नेगेटिव का साइन होता है, पॉजिटिव का साइन होता है हमारे पास। जस्ट अ मिनट एवरीबॉडी, नहीं यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव का ही साइन है। एक्साई पॉजिटिव के लिए जब हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स यहाँ पे किया, तो ये हमारे पास आ गया एक्स पॉजिटिव के केस में, यहाँ पे तो ये हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एक्स आया ओनली एक्साई माइनस। व्हेन एक्स गोज टू एक्साई नेगेटिव, यहाँ पे पहले वाले में विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया तो एक्साई -1, तो एक्साई माइनस एक्साई +1 आ रहा है ये हमारे पास। एंड दिस साइड हमारे पास -1 है, ये +1 आ रहा है, ये -1, इट इज द इनकरेक्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट। लेट्स डू फॉर द सेकेंड नाउ, यही आप पता करिए फॉर द, ये इसके लिए विद रिस्पेक्ट टू, जब हमने एक्साई पॉजिटिव में विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया तो एक्साई का स्क्वायर नेगेटिव, विद रिस्पेक्ट टू जब आपने ऊपर एक्स किया और एक्स की जगह आपको एक्साई भी पुट करना है, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया 2x आएगा, 2 एक्साई पुट हो जाएगा, साथ में एक्साई -1 तो कांस्टेंट रहेगा। लग रहा है आपको -1 आएगा, बिल्कुल भी नहीं, ध्यान से देखिए, नहीं बन रहा, ये मेरे पास -1 नहीं आ रहा। नाउ द नेक्स्ट ऑप्शन इज, इसको करिए विद रिस्पेक्ट टू एक्साई पॉजिटिव, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कीजिए, 2x आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x आ जाएगा, इसका तो 0 होने वाला है, तो 2 एक्साई का स्क्वायर नहीं बन गया, माइनस। दूसरे वाले में विद रिस्पेक्ट टू एक्स कीजिए तो एक्साई स्क्वायर -1, दैट इज एक्साई स्क्वायर +1 आ गया, विच इज नॉट इक्वल टू -1 ऑल्सो। जस्ट
नाउ द लास्ट ऑप्शन इज, इसको भी विद रिस्पेक्ट टू हमने एक्स किया तो कॉस, और उसमें एक्स आई पुट किया यहाँ पे, साइन का बना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और यहाँ एक्स आई पुट कर दिया माइनस, ऊपर वाले का साइन का कॉस आ जाएगा, पर यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें तो एक्स आई माइनस वन, ये भी हमारा माइनस वन के इक्वल है, व्हाट्स रॉन्ग विद इट? जस्ट अ मिनट, वी हैव टू लुक द फर्स्ट ऑप्शन अगेन. जे करली जी बाय करली एक्स, एक्स गोज टू टी पॉजिटिव 0, माइनस करली जी बाय करली एक्स, एक्स गोज टू 0 नेगेटिव, माइनस 1 अपॉन पी नॉट. व्हाट्स रॉन्ग विद द फर्स्ट डेरिवेटिव जो हमने किया था, करली जी बाय करली एक्स पॉजिटिव साइड में विद रिस्पेक्ट टू जब हमने एक्स किया इसका. ओके थोड़ा खोल के देखते हैं, एलाबरेट करके देखते हैं, मे बी यहाँ पे हमारे से कोई मिस्टेक हुई है. तो हमने करली बाय करली एक्स निकालना है ये नीचे वाले का, दैट इज एक्साई एक्स माइनस एक्साई का, जब एक्स गोज टू एक्साई पॉजिटिव है और एक्स की जगह हमने एक्साई रखेंगे, माइनस ऊपर वाले में विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है हमने. दैट इज करली बाय करली एक्स, एक्स एक्साई माइनस एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया इसका तो एक्साई आ जाएगा माइनस, जब इसका हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया तो एक्साई माइनस वन, तो एक्साई माइनस एक्साई प्लस वन, दैट इज यहां पे हमारे पास नेगेटिव का फर्क आ रहा है. ओके तो एक चीज हम यहाँ पे और चेक कर सकते हैं कि जो फंक्शन का डबल टाइम डेरिवेटिव है वो भी हमारे पास इक्वल टू एफ एक्स आना चाहिए, इक्वल टू सॉरी 0 आना चाहिए. जैसे कि हमें पता है कि जो ग्रीन फंक्शन है वो डबल टाइम डेरिवेटिव होके होमोजीनियस फंक्शन का निकालते हैं, जो मैंने आपको पहली बात कही. तो सपोज वी हैव द फर्स्ट ऑप्शन जी एक्स को मैं एक्साई, दैट इज द एक्स एक्साई माइनस वन व्हेन एक्स लेस देन इक्वल टू एक्साई, एक्साई एक्स माइनस वन व्हेन एक्स ग्रेटर देन एक्साई. या तो यहाँ पे ना इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे नेगेटिव की प्रॉब्लम है, या तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा, इसमें स्टेटमेंट प्रॉब्लम है. क्लियर नहीं हो रहा कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, क्योंकि चारों ऑप्शन ऐसे तो गलत आते नहीं है, होनी तो नहीं चाहिए प्रॉब्लम. एक बार ट्राई कर लेते हैं कि इसका डेरिवेटिव डबल टाइम डेरिवेटिव 0 के बराबर आ रहा है कि नहीं. तो जी एक्स को मैं एक्साई निकाला, डेरिवेटिव किया, क्योंकि एक्साई पे ही प्रॉब्लम आएगी अदरवाइज तो नहीं, सिंगल टाइम डेरिवेटिव किया तो हमारे पास एक्साई माइनस वन आ गया, और यहाँ पे एक्साई ओनली. फिर दो बार डेरिवेटिव किया तो ये हमारे पास 0 0 बन गया, इस केस में 0 आ रहा है, ये ऑप्शन करेक्ट. दूसरे वाले में हमारे पास 0 नहीं बनेगा, बिल्कुल भी नहीं. बी ऑप्शन चेक करिए, अगर आप चेक करेंगे जो ग्रीन फंक्शन है वो उसमें फर्स्ट जो है एक्स स्क्वायर एक्साई माइनस वन है,
तो जब आप सिंगल टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो 2x आ जाएगा एक्स आई माइनस वन, और जब आप एक बार और डेरिवेटिव करेंगे तो 2x आई माइनस वन आ जाएगा, विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो आना चाहिए था हमारे पास, ये भी नहीं है। ऐसे ही सी ऑप्शन भी नहीं बनेगी, ना ही डी बनेगी, बनेगी तो ए ऑप्शन। यहाँ पे आई गेस की प्लस माइनस की गलती है बेटा, तो मैं ये आपको कंफर्म कर दूंगी इन द नेक्स्ट वीडियो। आई विल डेफिनेटली डिस्कस दिस कि मॉक टेस्ट 2 चल रहा है, आई विल डेफिनेटली डिस्कस कि यहाँ पे प्लस की गलती है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सोल्यूशन ऑफ द आइलर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज रेफर्ड एज। हमने कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में आइलर जो था इक्वेशन पढ़ा था हमने, टू मैक्सिमाइज द टू फाइंड द एक्सट्रीमल्स, टू हमारे मैक्टिमाइज करें, जो मैक्सिमाइज करना है हमने पाथ उसके लिए, तो हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसीलिए यूज करते हैं टू फाइंड द एक्सट्रीमल्स, मिनिमम मैक्सिमा पता करने के लिए। ठीक है, जीरोज नहीं पता करते, नल्स नहीं पता करते, नॉन ऑफ दीज तो है ही नहीं है, एक्सट्रीमल्स पता करते हैं आइलर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ आइलर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, आ गया ना नेक्स्ट क्वेश्चन वही कि आइलर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये होती है हमारे पास, वैनिशेज आइडेंटिकली। अब हमने बहुत सारे क्लास में क्वेश्चन किए थे, काफी क्वेश्चंस पे हमने ये लगाया भी था, जैसे फॉर एंड एग्जाम्पल हमने एक ये वाला क्वेश्चन किया था वाई डैश डी वाई, इसका हमने एक्सट्रीमल पता करना था। तो हमारे पास एफ यहाँ पे क्या है, विच इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई, वाई डैश इज वाई डैश ओनली, तो कर्ली एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई माइनस डी बाई डी एक्स कर्ली एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश, ये हमने चेक करना है जीरो आएगा कि नहीं। एफ का विद रिस्पेक्ट टू वाई किया तो जीरो माइनस डी बाई डी एक्स, एफ का विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश कितना आ रहा है वन, इक्वल टू जीरो हमने लेके आना है, इसका डेरिवेटिव भी जीरो आ गया, तो जीरो इक्वल टू जीरो आ गया। इसका मतलब क्या है कि कोई भी पाथ होगा, मान लो आपको दो एंड पॉइंट्स यहाँ पे दे रखे हैं वाई वन वाई टू, दो एंड पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, दो पॉइंट्स के बीच में आपके पास कोई भी पाथ होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि मैक्सिमा, अगर फर्क नहीं पड़ रहा तो कोई मैक्सिमा मिनिमा भी नहीं देगा, है ना। तो इस पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, हैज द वैल्यू विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ ऑफ द इंटीग्रेशन। बिल्कुल, जो इंटीग्रेशन है वो पाथ से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। क्या वो पाथ पे डिपेंड हो जाएगा, नहीं, ये तो इंडिपेंडेंट हो गया। अभी मैंने आपको बताया ना, सिर्फ एंड पॉइंट के बीच में जो पाथ है उससे वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। सो रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस आर इनकरेक्ट, दैट इज द ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया हमारे पास, इफ आइलर कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन इक्वेशन इज वैनिशेज आइडेंटिकली तो क्या होगा, और क्या बोलते हैं हम इसको, इट इज अ फंक्शन ऑफ द एंड पॉइंट ओनली। बिल्कुल, अभी मैंने आपको बताया ना कि एंड पॉइंट्स के बीच में जो पाथ है उनसे वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, जो जो है पाथ के बीच वाले जो पॉइंट्स के बीच वाले पाथ है उससे इंडिपेंडेंट हो जाएगा, और जो हमारे पास सिर्फ पॉइंट्स हैं वही रह जाएंगे, तो इट इज अ फंक्शन ऑफ एंड पॉइंट ही रह जाएगा, दैट इज द ए ऑप्शन इज करेक्ट। इसने कहा नॉट अ फंक्शन ऑफ एंड पॉइंट गलत, डिपेंड ऑन पाथ गलत, इंडिपेंडेंट हो जाएगा, नन ऑफ दीज तो है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जियोडेसिक ऑन द राइट सर्कुलर सिलेंडर। यस एवरीबॉडी, हमने ये क्लास में ये भी डिस्कस किया था, डायरेक्ट्रिक्स के रिजल्ट्स भी हमने पढ़े थे कि अगर कोई सिलेंडर है तो ऐसे करके यहाँ पे ये जियोडेसिक जाते हैं, दैट इज कॉल्ड अ सर्कुलर हेलिक्स, दैट इज द बी ऑप्शन। क्लास में हमने ये शो भी किया था विद डायग्राम। जियोडेसिक ऑफ द राइट सर्कुलर कोन इज, अगर आप इसको भी एक बार गूगल करके देखते हैं तो वैसे तो इसकी इक्वेशन निकलती है प्रॉपर कोन की, यहाँ से भी ऐसे करके पाथ्स निकल के आते हैं और यहाँ पे भी नीचे ऐसे करके जियोडेसिक्स बनते हैं, तो क्या वो ग्रेट सर्कल होगा, नहीं, सर्कुलर हेलिक्स तो सिलेंडर में होता है, साइक्लॉइड्स नहीं होते, नन ऑफ दीज इसका आएगा क्योंकि उसका कोई प्रॉपर नेम नहीं है जो हम राइट सर्कुलर कोन के केस में निकालते हैं, उसकी एक इक्वेशन आती होती है वो हमें माइंड में रखनी पड़ेगी, यहाँ पे हमें कोई इक्वेशन गिवन नहीं, सो द डी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ अबाउट दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन हैज ऑलरेडी डिस्कस्ड बाय अस इन द, अगर हम देखें ये एक्सट्रीमल ऑफ दिस फंक्शन, हमने ये भी क्लास में डिस्कस किया था अगर आपको याद हो, कि हमने सरफेस जो है उसको बिटवीन द, हमारे पास क्या होता है इस केस में आपको बता देती हूँ,
एक हमारे पास थ्रेड होता है, ठीक है, आप उसको क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। जब आप इसको रोटेट करते हैं तो आपके पास ये बनता है, सो दैट इट्स एरिया इज मैक्सिमाइज, ठीक है, एरिया जो है वो मैक्स से मैक्स हो। तो अगर आपको याद हो, ये क्वेश्चन क्लास में डिस्कस किया था, 2 पाई s एरिया से डिनोट कर रहा था ds। तो यहाँ पे हमने बनाया था इसको, फिर कन्वर्ट किया था, 2 पाई बाहर, y 1 प्लस y डैश का होल स्क्वायर, y डैश का स्क्वायर, सॉरी dx, सॉरी, इस फॉर्म में हमने बनाया था, एंड y1 से लेके y2 तक। ये एक्चुअली क्या है, इनडायरेक्टली हमारे पास ये वाला क्वेश्चन आ गया है, जिसमें ये था कि अगर आपके पास एक रोप है आपके पास, तो आप उसका, उसकी हेल्प से आप उसको रोटेट करेंगे तो कैसे उसका जो क्या शेप बनेगी कि उसका जो सरफेस एरिया वो मैक्सिमाइज हो जाए, ये वो वाला क्वेश्चन है। इनडायरेक्टली उसने इक्वेशन दे के क्वेश्चन पूछ लिया। तो जो ये बनता होता है, इट इज कॉल्ड कैटेनरी, इट इज कॉल्ड कैटेनरी। तो कैटेनरी इज द राइट आंसर, यहाँ पे गलती से लैटेनरी है, इट इज द कैटेनरी। ओके एवरीबॉडी, सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे भी गलती है, सॉल्यूशन आएगा, और मैं आपको एडवांस में बता दूं कि इसकी ऑप्शंस में भी प्रॉब्लम है। ओके, तो जो हमारी ऑप्शंस दे रखी हैं बेसिकली वो वैसे कर्नल के अकॉर्डिंग दे रखी हैं। यहाँ पे हमने आइट्रेटेड कर्नल निकालना है, कि XT निकालना है, और या फिर रिजोल्वेंट कर्नल। अगर आप यहाँ पे देखें तो लैम्डा की वैल्यू क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल 1 है, आइगन वैल्यूज का क्वेश्चन है नहीं, नहीं तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, y ऑफ x इक्वल टू x, x को यहाँ पे बाहर बिठा के 0 to 1 tyt dt है एक्चुअली ये, तो यहाँ पे हम इसको c पुट कर लेते, कांस्टेंट c पुट कर देते, और यहाँ से हमारे पास आइगन वैल्यू निकल आनी थी, पर ये उसका क्वेश्चन नहीं है, इट्स ओके। और लैम्डा की वैल्यू इस केस में आइगन वैल्यू कितनी आती, 3 आती, हमने क्लास में शॉर्टकट भी किए थे इससे रिलेटेड, कि अगर kx, t हम अगर 0 to 1 निकाल रहे हैं, और अगर हमारे पास फंक्शन xt है, तो उस केस में हमारे पास कितना आता है, xt साथ में 1/(1 - λ/3) ये आएगा हमारे पास। तो अगर मैं यहीं से देखूं लैम्डा की वैल्यू, अगर आप 1 पुट कर दें, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू 1 है, तो xt 1 - 1/(1/3) दैट इज 2/3, तो इट इज द 2/3 xt, ये आता है हमारे पास। ये मैं आपको सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए बता रही हूँ, नथिंग एल्स। 0 to 1 के लिए हैं ये सारे। और यहाँ पे अगर x t square हो जाए तो ये बन जाता था xt square, पावर यहाँ पे कितनी बन रही है, 1 और 3, 1 और 2 मिलके 3, 3 से एक ज्यादा हमने यहाँ पे रखना होता है, λ/4। दीज वर सम शॉर्टकट्स थे जो हमने क्लास में डिस्कस किए थे, एक दो मैं आपके साथ और डिस्कस करती हूँ। लेट मी लुक एट द सम कर्नल्स जो हमने क्लास में किए थे। जैसे कि अगर यहाँ पे वैल्यू kxt की 1 होती, तो हमारे पास रिजोल्वेंट करना कितना आ जाता, यस एवरीबॉडी लुक एट दिस, क्योंकि एक तरह से x की पावर 0, t की पावर 0 है, दोनों के पावर्स को ऐड किया तो 0, 0 में एक ऐड किया 1, राइट, तो 1/(1 - λ) इज द आंसर। आई होप कि आपको शॉर्ट ट्रिक समझ आ गई होगी, बस इट्स ओके। ऐसे ही ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो हो जाएंगे, तो यहाँ पे सोल्यूशन नहीं आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल रॉन्ग स्टेटमेंट है, 0 to 1 है, तो रिजॉल्वमेंट कर्नल अगर हम निकालेंगे तो ये आएगा जो अभी मैंने आपको, आपके साथ डिस्कस किया, comma λ xt 1/(1 - λ/3), लैम्डा की वैल्यू आप 1 पुट कर देना तो 2/3 xt आ जाएगा। और अगर यहाँ पे t मान लो हम लैम्डा के अकॉर्डिंग लेके चले, तो फिर ये हमारे पास आ जाएगा
3x t over 3 माइनस लैम्डा। यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, यहाँ लैम्डा होना चाहिए था, ऊपर टी होना चाहिए था, तो ये थोड़ा करेक्ट ऑप्शन बनता है मेरे पास। आई होप कि आपको ये चीज समझ आ गई है, दिस इज द राइट ऑप्शन। द टाइप ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन इज, यस, फ्रेडहोम कब बोलते हैं? अगर ए टू बी मेरे पास क्या हो, दोनों ही कांस्टेंट हो, वो की जा जबकि वो यहाँ पे नहीं है, फ्रेडहोम भी बन रहा है सेकेंडरी काइंड का, नहीं। अच्छा, फर्स्ट काइंड का कब बनता है? इसके साथ यहाँ पे जनरल इक्वेशन में अल्फा एक्स एफ एक्स होता है ना, कि अगर अल्फा हमारा सब जगह जीरो बन जाए, अगर अल्फा एक्स जीरो हो जाए फॉर ऑल एक्स की वैल्यू के लिए, तो वो फर्स्ट काइंड का होता है, वो नहीं बन रहा सेकेंड काइंड। पहली बात तो ये फ्रेडहोम ही नहीं है, क्योंकि जीरो टू एक्स है, एक एक्स वेरिएबल है। फ्रेडहोम लीनियर इक्वेशन ऑफ द थर्ड काइंड नहीं, ये भी नहीं है, सिंगुलर आंसर आएगा इसका, ये हमारे पास सिंगुलर आंसर आएगा, ये हमने क्लास में किया था डिस्कस। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। देखो, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिए, कि यहाँ पे जब मैं फाई ऑफ टी की वैल्यू पुट करूँ तो एक्स आंसर आ जाए, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। तो हम इसको वन बाय वन पुट करके भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी जो है आई गेस इंटीग्रेशन में थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हुई हुई है। लेट मी करेक्ट द क्वेश्चन फर्स्ट। अब जैसे लास्ट क्वेश्चन था ना, मैं आपको रिकॉल करवा दूं, गलती थी वहां पे ये वाले में, यहाँ पे वन था ही नहीं, अभी मैंने चेक किया यहाँ पे लैम्डा ही था, तो लैम्डा के अकॉर्डिंग ही आंसर टिक करने हैं। द सोल्यूशन ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन, यहाँ पे इक्वेशन मैं आपको ठीक करके बताती हूँ, 0 to x 3 raised to power x माइनस टी 5t dt इक्वल टू एक्स शो करना है। एक एक करके एक एक ऑप्शन करते हैं। फर्स्ट है 3x raised to power e, फाइव टी की अगर मैंने वैल्यू रखू 3x raised to power e 5t dt, अगर आप देखेंगे तो ये तो कोई 3 की पावर नहीं बन रही हमारे पास, नहीं, इट इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। मोर ओवर अगर ये मेरे पास वोल्टेरा है 0 to x, एक सीधा सा काम करते हैं, क्यों ना हम इसको बाय लाप्लास मेथड सॉल्व कर लें, क्योंकि फंक्शन ऑफ एक्स माइनस टी दिख रहा है ना। जस्ट अ मिनट एवरीबॉडी, लेट मी शो यू। फंक्शन ऑफ अगर हमारे पास टी माइनस एक्स आता है, इसका आपको एक डायरेक्ट मैंने करवाया भी था, मैंने आपको ये क्लास में डिस्कस भी करवाया था कि वोल्टेरा के केस में इट इज अ फंक्शन ऑफ हमारे पास टी माइनस एक्स होना चाहिए। अगर ये वोल्टेरा के केस में हमारे पास बन रहा है, तो हम यहाँ पे कॉन्वोल्यूशन थ्योरम लगा सकते हैं। इट इज द फंक्शन ऑफ एक्स माइनस टी 5t dt, ठीक है, तो इक्वल टू एक्स है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लाप्लास अप्लाई कर देते हैं बाय कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। ये मेरे पास क्या बनेगा, लाप्लास ऑफ एफ इंटू लाप्लास ऑफ जी एंड लाप्लास ऑफ एक्स। एफ क्या है मेरे पास यहाँ पे, अगर मैं एक्स माइनस टी का फंक्शन है, अगर मैं एफ एक्स एक्स माइनस टी का फंक्शन देखूं, तो 3x माइनस टी, तो अकेला एफ एक्स फंक्शन क्या हुआ मेरे पास, ओनली 3 raised to power x, तो लाप्लास ऑफ 3 raised to power x क्या होता है हमारे पास, इंटू लाप्लास ऑफ जी लाप्लास ऑफ एक्स। यस एवरीबडी, व्हाट इज द लाप्लास ऑफ एक्स, हमने किया था लाप्लास ऑफ टी में 1/s का स्क्वायर, याद करिए। जस्ट अ मिनट,
यस एवरीबॉडी, लाप्लास ऑफ एक्स हमारे पास क्या होता है, 1/s², 3^x का हमारे पास लाप्लास क्या होता है, जैसे e^x का करते हैं, हमारे पास क्या होता है e^x का, देखिए यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवाती हूँ, लाप्लास ऑफ e^x क्या होता है, 1/(1 - s), यही होता है 1/(1 - s), राइट। यहाँ पे एक्चुअली हिडनली लॉग ई बैठा होता है, तो 3^x में क्या आएगा, 1/(1 - s) log 3, लाप्लास ऑफ जी 1/(s²। इसको उधर ले जाइए तो आपके पास क्या आ जाएगा, लाप्लास ऑफ जी हमारे पास e^80 का यही होता है ना, e^80 1/(s - a), यहाँ पे उल्टा आना है, 1 - s नहीं, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव है, जस्ट अ मिनट। यस s - a है, s - a, तो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो लाप्लास ऑफ जी ऊपर आ जाएगा s log 3 -1/(s²। अब इसको आप क्या करिए, अलग अलग कर दीजिए, लाप्लास ऑफ जी डिवाइड करिए log 3/(s) आ जाएगा, यहाँ पे -1/(s²। तो अगर आप यहाँ पे लाप्लास इनवर्स प्रोवाइड करें लाप्लास ऑफ जी पे, तो log 3 लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/(s) का निकालेंगे, लाप्लास इनवर्स माइनस लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/(s²। आई गेस कि इसके अभी ऑप्शंस में प्रॉब्लम है, तो ये आ गया आपके पास log s, 1/(s) किसका होता है, 1 का, लाप्लास ऑफ 1 इज 1/(s), तो ये आपके पास log 3 रह गया, इसका कितना आ गया हमारे पास x ओनली, यहाँ पे x log 3। आई डोंट नो इतनी ज़्यादा, आई गेस यहाँ पे 0 to x, यहाँ पे x - t, 5 t dt बना, x लाप्लास ऑफ दिस फंक्शन एंड दिस फंक्शन, बिल्कुल 1+(e^x - t). ये हमारे पास आ गया 3^x एवरीबॉडी, तो ये s - 1, ये log 3 इधर आना था, लॉ ये आ गया e^80 का, यहाँ पे आ गया लाप्लास, हमने कहाँ लिखा था, लाप्लास ऑफ 3^x इज 1/(s - a), तो यहाँ पे log 3 ऐसे आना था, ये log 3 यहाँ पे आएगा विद द नेगेटिव साइन, यहाँ पे log 3, लिटिल मिस्टेक है यहाँ पे, तो ये 1 बनेगा, यहाँ पे log 3 बनेगा एवरीबडी, तो ये हमारे पास बन गया
लाप्लास ऑफ जी इक्वल टू लॉग 3 बाई s माइनस 1 अपॉन s स्क्वायर। लॉग 3 यहाँ पे है, यहाँ पे 1 है, सॉरी 1, 1 अपॉन s का आ गया 1, माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर का क्या हुआ x log 3 साथ में मल्टीप्लाई, सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पे मैं आपको रिकॉल करवा देती हूँ, एक फॉर्मूला लिखवा देती हूँ यहाँ पे। यहाँ पे हमारे पास स्पेस है कि लाप्लास ऑफ e रेस टू पावर at इज 1 अपॉन s माइनस a। तो जब लाप्लास ऑफ e रेस टू पावर t आता है तो 1 अपॉन s माइनस 1 करते हैं, और 1 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे a की जगह 1 था। तो लाप्लास ऑफ 3 रेस टू पावर t इज अगेन 1 अपॉन s माइनस, क्योंकि देखिए यहाँ पे 1 कैसे आया, क्योंकि e था तो log e था, यहाँ पे 3 है तो s माइनस log 3 आएगा। यहाँ पे हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया गलती से, ये नहीं आएगा। लाप्लास ऑफ ये नहीं, दिस इज द करेक्ट, ये जो मैंने आपको लिखवाया अभी कि लाप्लास ऑफ 3 रेस टू पावर t इज 1 अपॉन s माइनस log 3। तो यहाँ पे इसको काट के यहाँ पे log 3 विद नेगेटिव s माइनस log 3। ऑलराइट एवरीबॉडी, चेक करती हूँ अगर इरेज हो जाए। यस अब ठीक है। यस लाप्लास ऑफ एफ इंटू लाप्लास ऑफ जी इक्वल टू लाप्लास ऑफ एक्स। यहाँ पे अगर मैं देखूँ एफ फंक्शन मेरे क्या बन रहा है, ई रेस टू पावर एक्स, तभी एफ ऑफ एक्स माइनस टी जो है 3 रेस टू पावर x, सॉरी 3 रेस टू पावर x माइनस t बनेगा। तो लाप्लास ऑफ यही लाप्लास ऑफ 3 रेस टू पावर x कितना होगा, इट इज 1 अपॉन s माइनस log 3 होगा मेरे पास। तो ये कितना आ गया लाप्लास, 3 रेस टू पावर x। लाप्लास ऑफ जी लाप्लास ऑफ एक्स इज 1 अपॉन s, इसका हो गया मेरे पास 1 अपॉन x का, सॉरी 1 अपॉन s स्क्वायर, s माइनस log 3 लाप्लास ऑफ जी 1 अपॉन s स्क्वायर। तो लाप्लास ऑफ जी इज s माइनस log 3 बाय s स्क्वायर, तो विच इज 1 बाय s एंड -log 3 बाय s स्क्वायर। तो लाप्लास इनवर्स कितना आ गया, 1 अपॉन s का कितना होता है 1 माइनस log 3 कॉन्स्टेंट, 1 अपॉन x स्क्वायर का कितना आ जाएगा x साथ में, सो क्लियरली द सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज को काउंटेबल टोपोलॉजी ऑन एन अनकाउंटेबल स्पेस इज, ये भी हमारे क्लास में डिस्कस किए गए क्वेश्चन है। को काउंटेबल का मतलब क्या होता है कि ऐसे हमने सेट्स लेने हैं जिसका उल्टा क्या आए मेरे पास, काउंटेबल आए इन द अनकाउंटेबल स्पेस। आप एक बार के लिए ना रियल एनालिसिस, रियल जो हमारे पास लाइन है उसको आप इमेजिन कर लीजिए। हमने ऐसा देखना है सेट कि जिसका उल्टा करके काउंटेबल आए, उल्टा करके तो खुद वो अनकाउंटेबल सेट होना चाहिए। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल मैं अगर आपको इरेशनल्स लूँ तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, इरेशनल्स का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, रैशनल विच इज काउंटेबल। तो ऐसा हम सेट सोच रहे हैं, ठीक है। या मैं ऐसा भी सोच सकती हूँ रियल्स में से 1 गया ये वाला सेट, क्योंकि जो इसका कॉम्प्लीमेंट आएगा ना वो ओनली 1 आएगा विच इज काउंटेबल। और अच्छा होस्ट ऑफ में क्या होता है कि आप अगर दो एलिमेंट्स ले रहे हैं तो उसके लिए आपको ओपन सेट अलग अलग से मिल जाएंगे, जी और वी, कि दोनों का इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। जैसे आप रियल एक्सिस में कोई भी दो पॉइंट इमेजिन कीजिए, -1 एंड 1, ठीक है। -1 के लिए आप कोई सेट सोचिए जो कि जिसका उल्टा काउंटेबल हो, तो आपको एक अनकाउंटेबल सेट इसके लिए लेना पड़ेगा, एक इसके लिए लेना पड़ेगा। और आपको लगता है उसमें इंटरसेक्शन आपके पास 5 आएगी, नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी। अगर आप इसको ऐसे करके सेपरेट करने की जरूरत भी मतलब कर रहे हैं ना, ट्राई कर रहे हैं, तो आप देखिए इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो काउंटेबल नहीं है,
क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, बाकी सारा आएगा विच इज अनकाउंटेबल, तो इट इज नॉट अ होस्ट ऑफ स्पेस. इसने क्या पूछा था, इज नॉट अ होस्ट ऑफ स्पेस, बी ऑप्शन करेक्ट आएगा. और अगर ये होस्ट ऑफ नहीं है तो इट इज नॉट टी टू, टी टू स्पेस हमारे पास नहीं है. और हमने क्या पढ़ा था, नॉर्मल स्पेस जो होती है वो टी टू स्पेस होती है. अगर इसका मैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव देखूं तो नॉट टी टू का मतलब क्या हुआ, नॉट नॉर्मल. और रेगुलर की भी हमने डेफिनेशन की थी कि जो नॉर्मल है वो रेगुलर होगा और जो रेगुलर है वो मेरे पास टी टू होगा. तो अगर जो वो टी टू ही नहीं तो रेगुलर भी नहीं, तो इसलिए इट इज नॉट अ रेगुलर स्पेस, नॉट अ नॉर्म स्पेस, इसलिए इट इज अ होस्ट ऑफ स्पेस, दैट इज द बी ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ टी टू स्पेस इज एवरीबॉडी. ये हमने डायरेक्ट जो रिजल्ट्स हैं हमारी क्लास में डिस्कस किए हुए हैं, डायरेक्ट रिजल्ट ये हमने क्लास में किए थे. यस एवरीबॉडी, अ कॉम्पैक्ट स्पेस ऑफ टी टू हमारे पास क्या होता है, टी टू क्या होती है, हमारे पास होस्ट ऑफ स्पेस होती है, उसके अंदर हम कोई कॉम्पैक्ट सबसेट देख रहे हैं तो वो ऑलवेज क्लोज्ड होता है. दिस इज द डायरेक्ट रिजल्ट जो हमने किया था कि अगर मेरे पास कोई स्पेस होस्ट ऑफ है, अगर मैं उसका सबसेट कोई कॉम्पैक्ट ले लूँ तो वो ऑलवेज क्लोज रहेगा. दिस इज द जो हमने की थी, इसकी डायरेक्ट रिजल्ट किया था. ठीक है जी. हाँ, अगर हम इसके सबस्पेस बनाएंगे तो वो टी टू हो जाएगी, पर सबसेट नहीं हो सकता, कॉम्पैक्ट सबसेट नहीं हो सकता. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ एक्स कोमा आई इज द होस्ट ऑफ स्पेस. यहाँ पे भी प्रॉब्लम है क्वेश्चन में, तभी मैं आपके सामने ये बार बार क्वेश्चन देख रही हूँ. ये बता दूँ यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, कि अगर एक्स कोमा, इफ एक्स कोमा टी इज होस्ट ऑफ, देन डायगनल ऑफ एक्स क्रॉस एक्स इज, वेयर एक्स क्रॉस एक्स हमें दे रखा था क्या है, एक्स कोमा वाई, सच दैट एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू एक्स, उसका डायगनल क्या होता है. दिस इज ऑल्सो द, हमने यहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट इसका भी हमने किया था कि इट इज ऑलवेज अ कॉम्पैक्ट सेट, इट इज ऑलवेज अ कॉम्पैक्ट सेट. ये अगर हमारे पास होस्ट ऑफ है. अच्छा, एक चीज और यहाँ पे, जस्ट अ मिनट एवरीबॉडी, यहाँ पे एक चीज और है. अगर हमारे पास दो स्पेसेस, एक्स मान लो हमारे पास टी टू है, होस्ट ऑफ है, और हमारे पास वाई भी होस्ट ऑफ है, तो उनका प्रोडक्ट भी ऑलवेज होस्ट ऑफ होता है. ये हमने किया था कि प्रोडक्ट ऑफ होस्ट ऑफ स्पेस इज होस्ट ऑफ. एक मैंने आपको करवाया था, इफ अगर हमारे पास होस्ट ऑफ है तो उसका जो एक डायगनल को लेके भी करवाया था, इट इज ऑलवेज क्लोज्ड. और शायद मैंने अभी आपको कॉम्पैक्ट करवाया, नहीं, कॉम्पैक्ट नहीं, जो अभी करवाया मैंने आपको, कि अगर आपके पास होस्ट ऑफ है तो डायगनल ऑफ एक्स क्रॉस एक्स, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, डायगनल ऑफ एक्स क्रॉस एक्स. एक्स क्रॉस एक्स की जगह कई बार आपको ये लिखा आ सकता है, एक्स कोमा वाई, सच दैट कि एक्स और वाई दोनों एक्स में से होंगे. अगर ऐसा भी आ जाए आपको तो इट इज ऑलवेज द, सॉरी मैंने आपको शायद पहले कॉम्पैक्ट नहीं होता, यहाँ पे बाउंडेड आना था, नॉट डाउंडेड, बाउंडेड ये भी नहीं होता, कनेक्टेड भी नहीं होता, इट इज ऑलवेज द क्लोज सेट. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड फेमस रिजल्ट, इसका बहुत ज्यादा लंबा प्रूफ है. आप एक बार इसको ध्यान में रख के चलेंगे कि अगर होस्ट ऑफ स्पेस है, अगर आपको इस तरीके से पूछता है कि प्रोडक्ट ऑफ होस्ट ऑफ स्पेस इज होस्ट ऑफ, क्लियरली ठीक है, और डायगनल जो इसका बनेगा वो हमेशा क्या होता है, क्लोज्ड होता है. ठीक है एवरीबॉडी, क्योंकि एक तरह अगर हम वैसे यहाँ पे देखें ना, तो एक्स क्रॉस अगर एक्स देख रहे हैं तो ये भी होस्ट ऑफ होगी, और जो इसका डायगनल है वो इसका सबसेट का काम करेगा. यहाँ पे लास्ट वाली ही थ्योरम लग रही है कि यहाँ पे टी टू वाले में जो सबसेट बनता होता है वो ऑलवेज क्लोज होता है, तो राइट ऑप्शन इज द डी ऑप्शन, क्लोज सेट.
ओके, थैंक यू एवरीबडी. आई होपफुल कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा और आपकी काफ़ी ज़्यादा ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगा टू क्रैक द PGT एग्जाम अकरिंग इन द वेरियस स्टेट्स. ओके एवरीबडी, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस.